गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीट द न्यू वर्ड्स विद मीनिंग एंड फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम द बैलून मैन, यूनिट 5. आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू हैड डन दीज न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली. स्टूडेंट्स, टूडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. लेट्स स्टार्ट. Unit 5, Poem The Balloon Man. Question Answers. Question number 1. Where does the balloon man stand? हमने poem में पढ़ा था, आपकी English की poem में हमने क्या पढ़ा था? Balloon man की poem थी तो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? Balloon man कहाँ खड़ा हुआ है ये पढ़ाया था, इसमें मतलब पूछा है क्वेश्चन में, तो हमने इससे रिलेटेड कहाँ पर पढ़ा था? ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे. तो कहाँ पर स्टे है? मार्केट स्क्वायर, है ना. सो आवर आंसर इज द बैलून मैन स्टैंड्स इन द मार्केट स्क्वायर. जो बैलून मैन है वो स्टैंड्स है, वो खड़ा हुआ है इन द मार्केट स्क्वायर. मार्केट में जो चौक होता है वहाँ पर खड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपन टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड? क्या होता है बैलून्स के साथ जब एक जब हवा चलती है, है ना. हवा चली, व्हेन देयर इज अ विंड, जब हवा चली तो बैलून्स के साथ क्या हुआ? तो हमने पढ़ा था ना एंड क्या पढ़ा था हमने? इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, है ना. वो क्या कर रहे हैं? टग हो रहे हैं, टग एंड टग हो रहे हैं, मतलब आपस में टकरा रहे हैं और ऊपर को ऊपर टग, मतलब ऊपर की हवा के प्रेशर से ऊपर की ओर की तरफ और खींचे से जा रहे हैं, मतलब है ना, ऊपर की ओर पुल हो रहे हैं. सो आर आंसर इज द बैलून्स स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज अ विंड. जब हवा चली तो बैलून ने क्या स्टार्ट कर दिया? टगिंग करना, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा उनकी हवा की वजह से ऊपर की तरफ उनका और भी वो बढ़ रहा था, खींच रहे थे वो, जैसे हाथ से छूट जाएंगे. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू? मतलब जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जो बैलून मैन है, बैलून मैन है वो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है? तो देखिए, सो इसमें हमने पढ़ा था, देखिए आर आंसर इज द चाइल्ड लाइक्स टू सी, जो चाइल्ड है वो देखना पसंद करते हैं द बैलून मैन टू लेट द बलून गो सेलिंग हाई. मतलब क्या देख क्या करना चाहते हैं वो बच्चे, क्या चाहते हैं कि बैलून मैन जो है वो क्या करे, है ना. तो क्या हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, समडे परहैप्स, किसी दिन शायद, ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई. मतलब कि किसी दिन उसके मन में ख्याल आ जाए वो सारे बैलून्स को अपने हाथ से छोड़ दे और वो सारे आप आसमान में ऊंचाई पर हाई वे सेलिंग, मतलब उड़ते चले जाए, है ना. तो द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बैलून, जो बच्चे हैं वो बैलून्स को देखना चाहते हैं. मैन टू लेट द बलून, जो बैलून मैन है वो बैलून्स को छोड़ दे गो सेलिंग हाई, और आसमान में उनको ऊपर उड़ने के लिए, आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने के लिए वो उनको छोड़ दे. ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ हाई कैन बैलून फ्लाई? मतलब कितनी ऊपर बैलून जो है आसमान में उड़ेंगे या उड़ सकते हैं? तो देखिए, हमने पढ़ा था ना कि सेलिंग हाई, बहुत ऊपर, एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम उनको नीचे से खड़े होकर देखें, मतलब सेलिंग हाई, बहुत ऊपर. सो आर आंसर इज बैलून कैन फ्लाई वेरी हाई अप इन द स्काई, जो बैलून्स हैं वो उड़ सकते हैं वेरी हाई, मतलब बहुत ऊंचाई पर, अप इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? सॉरी बेटा, यहाँ पर डू यू आएगा, मैं भी थोड़ा वो गई थी, यहाँ पर यू, आपको यू लिखना है. डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, तुम्हें इस पोएम के बारे में क्या पसंद है? आंसर
आई लाइक द कलरफुल बलून्स दैट कैन फ्लाई वेरी हाई अप इन द स्काई. मुझे पसंद है, हम क्या लिखना है हमें यहाँ पर, हमें पसंद, मुझे पसंद है कलरफुल बैलून्स, जो ये कलरफुल बैलून्स से बहुत पसंद है दैट, और जो कि कैन उड़ सकते हैं वेरी, बहुत ऊंचाई तक अप इन द स्काई, स्काई में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, ये बैलून मुझे बहुत पसंद है. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स. नाउ यू विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक नीटली एंड लर्न इट. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.